हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं खेलने जाने वाला हूँ हेनरी स्टिकमैन कलेक्शन गेम। और ये गेम जो है बहुत ही बढ़िया गेम है, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा शायद से। तो फिर अभी मैंने इसको खेलने की सोचा, और इसमें यहाँ पे सबसे पहले प्रोलॉग है ये ब्रेकिंग द बैंक। तो इसके अंदर एक्चुअली एक हेनरी नाम का बंदा होता है। ये एक स्टोरी टाइप गेम है, कार्टून वाली। इसके अंदर एक्चुअली एक हेनरी टाइप का वो बंदा होता है। इसको यहाँ बैंक में चोरी करनी होती है, पता नहीं क्यों। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम है ना, ये एक स्टोरी टाइप गेम है। तो फिर स्टोरी टाइप गेम में तो अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये शॉवल यूज़ करता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे बैंक में सीधा आ चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी इस शॉवल को यूज़ किया बैंक तोड़ने के लिए। और ये क्या मुझे कुछ दिखा? ओह शिट। अभी इसके इस गेम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं हेनरी के पास, और हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो पता लगाना होता है कि हम अंदर कैसे जाएँ। तो ये भी मुझे कुछ अलग लग रहा है, मेरे ऊपर नफट जाए वो, मेरे को लग रहा है। टेलीपोर्टर का यूज़ करता हूँ क्या? इसका बटन दबा के मैं सीधा अंदर पहुँच जाऊँगा। इसके ना साथ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो एस्केप भी हैं। तो ये मैं गायब हो रहा हूँ, और ये एक सेकंड में दीवार में आ गया। मेरे को अंदर पहुँचना था। कोई निकालो भाई मुझे। तो ठीक है, अभी मेरे हिसाब से मेरे को कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कुछ काम का नहीं है इस गाइस से। क्या इसके अंदर मैं छुप के जा सकता हूँ? वहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही है, मैं इसमें छुप जाता हूँ ताकि वो मेरे को ले चले। मेरे हिसाब से ये जो मेरा काम है ये काम कर जाएगा, लेकिन मेरे को ठीक है कि ये काम नहीं करेगा। प्लीज मुझे ले जाओ भाई। You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Okay, तो मैं बैंक के अंदर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और अब देखना ये है। ये मैं उठा यहाँ से, अरे सर मेरे को पकड़ लिया गया एकदम, तभी मेरे को पकड़ लिया गया। एक्चुअली भाई जो स्टोरी टाइप गेम्स होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, चाहे मानो ना मानो, लेकिन ये बात सच है। और वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, साथ में ये सिर्फ स्टोरी टाइप नहीं है, चॉइसेस टाइप भी है। इसमें मुझे पता है फिजिक्स की थोड़ी कमी है इस गेम में, कभी फिजिक्स काम करती है तो कभी इसमें फिजिक्स काम नहीं करती। ओके, तो आप जाके रियल गेम शुरू हुई है, एपिसोड 1 एस्केपिंग द प्रिजन। और जो लोग भी मतलब गेम्स को टाइम वेस्ट बोलते हैं ना, वो खुद टाइम वेस्ट के बादशाह हैं भाई। गेम्स टाइम वेस्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिनको नहीं समझ आता तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं टीचर थोड़ी ना उनको समझाएगा। Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. See you around. Okay. इन दोनों को जान दो बस। अभी मेरे को इस जेल से बाहर निकलना है। तो ये सब चीज़ें आ गई मेरे पास। टेलीपोर्टर का तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मेरे को पता है टेलीपोर्टर ने पिछली बार क्या काम किया था। ड्रिल नीचे, एक और ड्रिल भी काम कर सकता है। सेल फोन, पहले जहाँ सेल फोन से मैं क्या कॉल करूँगा किसको? रॉकेट लॉन्चर भी है भाई। रॉकेट लॉन्चर से तो भाई पूरी जगह लग जाएगी। इससे मैं ये काट के देखता हूँ। तो मैं विंडोज़ काटना वो सोचूंगा। मैं विंडोज़ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि वहाँ बाहर तो पुलिस वाले खड़े हैं, इसलिए ऐसे कहते। अरे इस गेम में मतलब कुछ भी हो जाता है भाई, मुझे क्या पता था कि मैं इतनी ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। कॉल करता हूँ, चलो मेरे हिसाब से। अच्छा भाई, अब मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे एक वकील को कॉल कर लिया, ये हमारे जस्टिस के लिए लड़ेगा। विटनेस प्लीज कंटिन्यू योर टेस्टिमोनी। ओके, वकील को देखो जरा। सिगरेट आई वाज रनिंग अलोंगसाइड माय पार्टनर इन द आर्मर्ड वैन, बट जनरली शी स्पॉटेड अ बैग ऑन द साइड ऑफ द रोड। We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to okay, break into the bank. Okay, so this is my lawyer and this is my case. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. What do I have to choose here? Here it is, guys, bag. No, this is not. दूसरी चीज जो डस्टी रोड पे जो उन्होंने दिखी थी, Take that. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What?
He was inside the bag and being passed from a tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. Lawyer OP in the comment, likhna guys. Witness, lawyer OP in the comment. His victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. It's come back to haunt him now. You can't be happening to me. That certainly was an interesting trial. However, I'm now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickman, not guilty, yeah. अभी इसकी जो है ना वो ऐसी और भी endings हो सकती है. अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ending discover की है. कि बाकी endings भी हो सकती है. और मेरे हिसाब से cool ending थी. मैं इसके एक और series start करूँगा. ये बताओ फिर कौन सी ending ज़्यादा बढ़िया होगी. मतलब एक तो ये होगी main series जिसमें मैं ये करूँगा और एक दूसरी वो series होगी जिसमें मैं बाकी की endings देखूंगा. जैसे इसमें तीन endings है. अभी मैंने एक ending discover की है. और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई वो जो वकील है ना उसने ये बोल दिया कि अगर मैं अंदर मतलब उसके अंदर डिस्गाइज बैग के अंदर छुपा था तो बाहर से नॉट किसने भागी. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Simpson, ये कौन सी वकील है? पैसा, yes. अब चलता हूँ मैं. एकदम टीवी में देखा उसी दिन चुराने का. तो यहाँ पे मैं पहुंच गया. बर्स्ट इन स्नीक इन. इसमें स्नीक इन ही करना सोचूंगा. ये बर्स्ट करूंगा तो आवाज़ आ जाएगी ना. पुलिस वाले भी खड़े हैं वहाँ पे. बर्स्ट में शोर मचता है. तो अभी मेरे को कौन सा यूज़ करना चाहिए? टेलीपोर्टर अभी मैं नहीं सोच रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है एक बार उसने मेरे को धोखा दे दिया, शायद दूसरी बार ही सही काम आ जाए. और यहाँ पे पिक क्या है ये? इसे मैं तोड़ूंगा, आवाज़ आ जाएगी. ये एंटी ग्रेविटी, ठीक है. इसे मैं करूँगा. ओहो वाह, ये काम कर रहा है. तो मेरे को ये ऊपर खड़े. अरे अरे, बहुत सही. काम ही नहीं करा ये. मेरे को क्या पता कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं. अब चलता हूँ मैं. ये स्विंग रे. अच्छा, अपने ऊपर चला रही थी वो. इससे मैं बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और यहाँ पे छेद है, मैं इससे निकल सकता हूँ. अरे भाई, ये भी नहीं सोचा था मैंने. किसको पता होगी ये बात. खा गया मैं. मैम वाम सर सो मच. जंबल होपर्स भी है. ये क्या काम करेगा? अच्छा, इसके अंदर ये पेपर है, इससे मैं पता कर सकता हूँ. हेलो, ये क्या हुआ? ओ, मुझे लगा मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं ये सोचता हूँ ना वैसे ही. तो मेरे हिसाब से मेरे को टेलीपोर्टर का यूज करना पड़ेगा. जंबल ऊपर भी है ये, लेकिन ये शायद उतनी ऊपर कूद ना पाएंगे. इस गेम में कुछ भी हो जाता है, मतलब भाई कुछ भी हो जाता है. टेलीपोर्टर का यूज करता हूँ मैं. फिर से मैं दीवार में ना ठस जाऊं. वैसे तो इस बार मैं दीवार के पास में ही खड़ा हूँ. ओके, तो इस बार मेरा नसीब. अरे हवा में. ओ, पढ़ ना जाऊं. ठीक है, इस बार मेरा नसीब बढ़िया था. आई एम लकी दिस टाइम. यस, पेनी. अगर मैं ये पिस्टल लेके जाऊंगा तो भाई वो मेरे को मार सकते. पुलिस वाले को लड़ाई करनी तो आती होगी. और फैल्कन पंच नहीं भाई, ये भी काम नहीं चलेगा. इनविजिबल वाइट, यस. अब इससे मैं इनविजिबल होकर जा सकता हूँ. क्या हुआ? इसको पता तो नहीं चल रहा. ओ वाह, बहुत सही. अपना खुद का रास्ता भूल गया मैं, मतलब गायब हो गया तो रास्ता भूल जाऊंगा मैं. पेन ही गिराता हूँ. इन सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी कम होती है ना. मुझे लग रहा है काम नहीं करेगा. अरे कर गया काम. मुझे लग ही रहा था काम नहीं करेगा. वो वायर है ड्रॉप नहीं. एक तो वायर ही मेरे को सही लग रही है इसमें. मैं यहाँ से नीचे आ गया. अब डायमंड उठाना है बस. हैमर से तोड़ूंगा तो आवाज़ जाएगी. लेज़र कट भी देखता हूँ. अरे लेज़र कट से मैं खुद कट हो गया. वाह, कभी कभी ये गेम कुछ ज़्यादा ही हंसाती है.
ये कैसी सी बात है, लेजर कट से मैं खुद कट हो गया। ओह यहाँ पे दो लोग बातें कर रही हैं और मेरे को यहाँ से बच के निकलना है। प्लैंक नहीं, प्लैंक तो नहीं, प्लैंक से मैं एकदम बच के कैसे जा पाऊंगा, उनके सिर पे बजाना है क्या मेरे को प्लैंक। यहाँ पे है कैनोन, इससे हाँ इससे निकल सकता हूँ। अरे अरे मुर्गी से अंदर बैठ गया भाई, तो पकड़ा रह गया हूँ मैं। चट मैं दरवाजे के अंदर ठस गया लेकिन वो बाहर रह गया। प्लैंक पे नहीं चीज, प्लैंक मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा। वैसे इस गेम के अंदर ना हमें उल्टा सोचना होता है, जैसा हमें लगता है वैसा नहीं करना होता है। वाह 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 सीरियसली, अब प्लैंक ही बचा, ये कैसे काम आएगा जरा ये भी दिखा दे। दिखा And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? तो राइफल तो काम नहीं आया, जंप डायमंड तो बिल्कुल काम नहीं आया। जितनी आगे एक्सपेक्ट किया था उतनी आगे नहीं गया। स्नैप नेक, अरे अपनी खुद की स्नैप नेक नहीं करनी थी भाई मुझे। आई टोल्ड यू मैन अबाउट द स्टेयर्स, नहीं भाई तूने मुझे नहीं बताया था स्टेयर्स के बारे में। ओह वाह, वैसे भी ये डायमंड बहुत इतना बड़ा इतना भारी है, और ये बन गया बहुत ज़्यादा अमीर। तो ज़्यादा इसके छोटे छोटे एपिसोड हैं इसलिए वीडियो बड़ी जा सकती है, कोई बात नहीं पूरी देखना। ओके तो इसके अंदर भी अभी 3 endings हैं, अभी मैंने सिर्फ 1 डिस्कवर किया और यूनिक फेल 40 में से 10। अच्छा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 ही हैं, 40 में से 10 है। ओके तो यहाँ पे अब मैं एक दूसरे चैप्टर 3 पे आ गया। और वैसे आपको पता है ये जो गेम है ना ये तब बनी थी जब मंगस Finally decided to wake up. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Oh, so this is Among Us airship. I'm playing Among Us airship. I hope you'll understand the way you get here. स्टिकी हैंड नहीं भाई, इतनी तेज हवा चल रही है स्टिकी हैंड तो काम नहीं आएगा तो, क्योंकि इस गेम में कुछ भी हो जाता है इसलिए मैं ग्रैपल गन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं, बॉम्ब से मैं खुद उड़ जाऊँगा मेरे को लगता है, वेट से भी मैं वेट तो कर नहीं पाएगा भाई, इसको मैं इस पर लगाऊंगा और खुल जा, नहीं खुला ओ गिर गया, चलो सभी मर गए भाई। और मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये इसको लगा के करूँगा क्या। ओ हो बहुत सही, यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है और बॉम्ब हवा में पता नहीं डिफ्यूज ना हो जाए, तो अभी मैं वेट करने की सोच रहा मैंने यहाँ पे। अंदर आ गया, ओ वो बाहर आया और मैं अंदर चला गया, वाह भाई वेट करना बेस्ट। तो मैं यहाँ से कहाँ से जाऊँगा, मैं पहले वेंट से निकलता हूँ, वेंट ही मेरे को सही लग रहा है Among Us में भी वेंट से, बाकी मेरे को इतना खास कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओ ये रहा वो डायमंड जिसको भी और इसे चुराए बिना मैं जाऊँगा नहीं। तो क्या हुआ, अच्छा मेरे को दूसरी तरफ जाना है क्या। ये टेलीपोर्टर का यूज़, पिछली बार टेलीपोर्टर मेरे काम आ गया था, शायद से एक ही बार उसने मेरे को धोखा देने की सोचा होगा, लेकिन एक बार वो मेरे काम आ गया तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको यूज़ करूँ मैं। तो ऐसा मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि एक ही बार वो मेरे काम ना आया और दूसरी बार काम आए। कहाँ पहुँचा भाई मैं अभी, ये कहाँ पहुँच गया मैं,
अच्छा तो बस वो मेरी एक ही बार काम आना था, पूरी गेम में दोबारा कभी काम नहीं आएगा। लीप यहाँ पे हवा नहीं चल रही है। ओह किसी को शक ना हो जाए मुझे। और वैसे ये तो वही वाली जगह है ना जहाँ पे हम वो बीच में से एक एलिवेटर, एक एलिवेटर जैसी कुछ जगह होती थी, हम उससे जाते थे, उस पर खड़े होते थे, उसके बाद वो पटपट करके चलता था। ओके तो मेरे को अभी इस दरवाजे को खोलना है, वो अंदर कोई बैठा है, उसको इग्नोर मारते हैं, इस दरवाजे को खोलते हैं। इन सब में से मेरे को हैक ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आज तक, मैंने नहीं और पहली बार मैं हैक करते हुए लॉल काला जादू नहीं। ये मेरे को पेपर में बदल देगा तो मुझे लगा उस पेपर में लगा और उस पेपर पे लिखा होगा कैसे खोलना है। मैं एकदम ड्रीम जैसा लग रहा हूँ, ड्रीम गेमर जैसा। ओह ओह वाह यहाँ पे लोग नहीं खड़े। अरे ये भी अमंगस की ये जगह मेरे को सेम याद है। श्रिंक एंड ग्रो ज़्यादा सही लग रहा है। नहीं ये लेकिन पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ, वो बोलकर मैंने इसको यूज़ किया पता है। श्रिंक एंड ग्रो अच्छा इससे मैं छोटा कर लूँगा, इसको छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, तो छोटा करके मैं इसे आराम से अपनी पॉकेट में रख के ले जाऊँगा। ओह ये तो बहुत ईजी था। ओ तेरे को पता लगा लिया इसने। Stop right there. अबे पहले सीक्रेट तो टूट गए अपने मुँह से। It's like he set off some sort of alarm. तीन बजे बचाओ कोई। What? He's gone rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements are moving in. तो अभी यहाँ पे आ गई मेरे को बचाने के लिए। Oh wow. ओके तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने इस पर अटैक कर दिया और तब तक के लिए मैं उसे उस शेल को तो चुरा चुका हूँ, उस डायमंड को मैं चुरा चुका हूँ। और यहाँ पे ये है, अब मेरे को किस चीज़ से मदद लेनी पड़ेगी, शेल किससे ले सकते लगा रहे हैं। और अब मेरे को हेडशॉट नहीं लग पाएगा लेकिन फिर भी अच्छा मेरी अच्छा मेरी बाकी हड्डियाँ टूट गई, शेल तो काम नहीं आया। ये आर्मर देखो मैं आर्मर तो मेरी पूरी जिंदगी पहनना है और इससे बोल सकता हूँ यही रहना चाहिए। वो ये क्या कर दिया वो चल मैं बच गया। वो ये मेरे को लग रहा था कि मैं इससे नाकाम जाऊँगा लेकिन नहीं। और ये एयर से डिफ्रेस करके साथ मैंने वो डायमंड भी निकाल दिया। गलत हुए और कमियाँ और कुछ सीख रहे हैं और मुझे पकड़ने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी मेरे को कौन सा चूज करना होगा? ये इस पे अटैक करने आ गए और इंटेंस मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है ना। अच्छा इन पे अटैक करने के लिए आए हैं वो तो। अरे उन्होंने मेरे को देख लिया। कितना देर में रूबी लेकर जा सकता हूँ? उसने ओह बहुत सही। उसने अपनी वेस्ट उतार दी और उसके बाद मतलब उसने अपना ये आर्मर उतार दी, उसके बाद मेरे पास पूरा मौका है जाने का। अब ये लोग तो नहीं पकड़ लेंगे यार मेरे को। Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Oh, thanks. Bye. वो अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे को जाने दिया। Yes. तो सही में मैं योर ब्लड ठीक था। अच्छा फूल वाला। तो ओके तो अभी मैंने इसको तोड़ कर दिया और अभी मैं यहाँ पे एक और एपिसोड खेलने की सोच रहा हूँ। इसमें तो चार एंडिंग्स हो रही थी, मैंने एक एंडिंग की। इसमें यूनिक फेल्स भी मेरे बहुत कम है। अब नेक्स्ट एपिसोड आ गया फीलिंग द कॉम्प्लेक्स। तो अब देखता हूँ। हेलो हेनरी। तो मैं जेल में आ चुका हूँ। टू द वॉल। बोलना तो ढंग से सीख ले। सम ऑफ द मोस्ट कनिंग एंड नोटोरियस क्रिमिनल्स आर केप्ट हियर एंड नाउ वी हैव द इंफेमस हेनरी। यू आर गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम ग्रिगोरी। भाई मैं भागने की कोशिश करूंगा यहां से। क्या करना पड़ेगा तेरे को? भागना है अब यहाँ से।
प्ले डेड, ये सही है, वो मेरे को वो मरा हुआ साबित करके भगा देंगे, मतलब मेरे को मरा हुआ साबित करके कहीं और छोड़ देंगे। प्ले डेड भी सही है, क्यों ना प्ले डेड। साइड में एक और भी है, कह दी ये यू नो न्यू वन हेनरी इज डेड। Yes. Put him with others. Okay. Oh, ये तो सही नहीं था, मेरे को लगा काम कर जाएगा शुरू में। Wait for transfer, नहीं ये भी सही नहीं है। Boost up, क्या मैं उसकी हेल्प से, अच्छा boost up। अच्छा हम दोनों इस तरीके से एस्केप कर सकते हैं। अब मेरे को उस लड़की को भी लेकर बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं आ गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है फिर तोड़ दिया मैंने। ओके तो अभी मेरे को नीचे से पहले उसकी भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मेरी मदद की, और वो सामने जो खड़ा है पता नहीं कौन सी दुनिया का आदमी है, होश ही नहीं उसको कि हम दोनों भाग रहे हैं। I don't care. Oh. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. हम बातें करते रहना, हम पीछे से एस्केप कर जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रैक्ट है, टॉल गाय, टॉल गाय, ये सही लग रहा है मेरे को। बाउंस ब्रोस नहीं, वो तो मेरे को सही नहीं लग रहा, उनको लड़ाई तो आती ही होगी, लेकिन फिर हम भी तो दो हैं। डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी कुछ सोचना पड़ेगा। टॉल गाय, इन दोनों में से ही है जो कुछ भी है, अगर बाउंस करके जाएंगे तो एक तो बच जाएगा ना फिर। Oh yeah, let's not. Attack करता हूँ। अरे ठीक है, वो भी डांस करने लग गए। ओह कूल, ये बहुत ही कूल था, ये मेरे को एक बार दोबारा देखना, कैसे करते हैं, कैसे हैं ये करते कैसे हैं। डांस करना शुरू हो गया, वैसे ये काम करने जाना चाहिए था, कितना बढ़िया लग रहा है ये, लेकिन अब गेम पे आते हैं। चलो मजाक खत्म। Hey buddy, क्या अच्छा पहचान लिया उन्होंने, दो है। अरे हमारे ऊपर, मेरे खुद के ऊपर ही गिर गई। पहले यही चूज करना चाहिए था, मेरे दिमाग में आ रहा था ये, लेकिन फिर मैं वो डिस्ट्रैक्शन डांस नहीं देख पाता ना, इतना बढ़िया था वो डांस। If we can get you up there, you could get in and open this door. हाँ ठीक है, कर लेंगे भाई। The force, judo throw, gravitor, ये नहीं यार, ये judo throw है ये। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि ये भी काम नहीं करेगा। इमरजेंसी बटन दबा दिया गया। अच्छा हाँ, अब हम दोनों के पास एक ना एक कोई चीज होनी चाहिए हम यहाँ से बचने के लिए। स्नाइपर रिफल, ये लोग बहुत पास में है, स्नाइपर दूर की रेंज के लिए होती है। ये टेसर, ये भी एक एक्चुअली पिस्टल है, स्नाइपर को लेना ठीक समझता हूँ मैं। क्रॉसबो है, टेसर, ये इसके पास हो गई, उस लड़की के पास, और अब हेनरी के पास। इन दोनों में से अच्छा एक चीज ले सकते हैं। ओ, ओ मेरे ऊपर कूद गया वो, फटूंगा तो मैं भी। उसको ये दे देता हूँ और खुद वैसे ना आप लोग बताना कि ज़्यादा बढ़िया जाएगी। Oh yeah, we transferred from the 8th floor. From the cafeteria? Sir, kya bol diya? Nice try, mates. Arre! Pata laga liya tha bhai usne. Ye sahi nahi tha.
ओके तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब मेरे को यहाँ से यहाँ पे कोई और चूज करना पड़ेगा। कहाँ से इंग्लैंड है? कहाँ से? और इसका सच चला गया। वैसे ये सही था। तो चला गया लेकिन उसे अब भी आप उसको पता चलेगा। तो वो दोनों वहाँ चले गए और आप एक्सके यस वेरी कूल। तो मैं यहाँ से भागता हुआ। अरे इसने पकड़ लिया उसको। अरे भाई मतलब ये मेरे को कैसी चीजें मिली हैं यार। मेक अप फेस द नी और एड्रेनल। ये तो एक इंजेक्शन है, इसको मैं सही चूज कर रहा हूँ लगाने के लिए। क्यों ना मेरे को मैं इसे वो इंजेक्शन लगा के ठोक दूँ कि फिर उस लड़की को ना लग जाए। मेक अप फेस, ये तो स्टूपिड सा है। द नी, मैं उसे अपनी जैसे नी मारूंगा और वो मर जाएगा। इंजेक्शन चूज करता हूँ, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को। अच्छा अपने पे लगाना था वो, फिर भी उसने मेरे को गिरा दिया। क्या फायदा हुआ इसका? कुछ नहीं फायदा हुआ। अरे वो लड़की भी यू विन। अच्छा जीत गया मैं। अच्छा फिर भी हार गया। ये कोई फाइटिंग गेम नहीं है, एक बढ़िया बचा लिया मैंने इसको। तो मेरे को यहाँ से कहाँ से भागना पड़ेगा? एक तो एक वैन है मेरे साथ से, वैन में तो निकलता हूँ मैं। उसने मेरे को अंदर बिठा लिया और किसी को नहीं आना। चलो अब क्या मैं एस्केप कर गया? ओह डिड योर मदर टेल टू नॉट गेट इनटू द वैन विद स्ट्रेंजर्स। बहुत सही। तो ये वाली एक ऑप्शन मेरे को लग रहा है यहाँ पे सब नीचे से भगा रहे। अरे ये क्या समझा नहीं समझ में रही है। अब से बताते थो ना ऐसा होना था, मतलब नीचे से हमारी जान ले रहे थे ऐसे। तो वो दूर से ये लेने गई थी उसको मारने के लिए। क्या ओपी उसको मार दिया और निकल गया और यहाँ हो गए गेम। मतलब ये एक और एपिसोड कम्प्लीट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया और कोई एंडिंग हो सकती है कि मैंने इसमें एक लड़की के साथ एस्केप किया। और इससे बढ़िया वैसे और एंडिंग्स हो सकेगी, मैं बाद में देखूंगा। 5 एंडिंग्स है इसमें, बाकी 4 मेरे को डिस्कवर करनी होगी। ओके तो यहाँ पे सब भी अभी मैंने कर लिया। तो अभी बस एक ही एपिसोड बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, वो है ये एडिटिंग का मिशन। तो तब तक के लिए बाय, मैं चलता हूँ। बाय।